अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अली है और जयपुर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। सितार मुझे बुज़ुर्गों से विरसे में मिला है। पांचवी पीढ़ी में मैं सिंध की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद याकूब खान और उनके वालिद साहब उस्ताद गनी खान, उनके वालिद साहब उस्ताद कादर खान और उनके बाद जो उनसे पहले जो बुज़ुर्ग हैं वो उस्ताद अहमद बख्श खान, जिनका सदका आज हम लोग चौथी पांचवी पीढ़ी में सितार बजा के उन्हीं का सदका ही है। और सितार, मैं सिंध का सितार बजाता हूँ। बेसिकली मैंने सीखा है इसको कि सितार के चार बाज हैं, रज़ा खानी, मसीद खानी, फरोज खानी और सितार खानी। ये चार बाज हैं जिसमें से हम लोग दो बाज इस्तेमाल करते हैं, रज़ा खानी और मसीद खानी। रज़ा खानी ये है कि सिर्फ वो एक मुख की बंदिश होती है और मसीद खानी वो जिसमें उसका अंतरा भी बजाया जाता है। वो कोई गायकी की बंदिश नहीं होती है, कोई तराना, कोई ढुरपत, कोई टप्पा उसमें नहीं गाया बजाया जाता। सिर्फ जो उसकी सितार की अपनी बेसिकली जो बंदिश है जिसमें निजराब का खुलासा किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में, इंडो पाक में हमसे सब अच्छा सितार बजाते हैं, लेकिन बेसिकली जो सितार का बाज है वो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके सामने राग जोग पेश कर रहा हूँ जो काफ़ी ठाट का राग है और खाड़ो संपूर्ण नहीं है। खाड़ो और संपूर्ण की मैं थोड़ी सी मीनिंग कर दूँ कि संपूर्ण वो होता है जिसमें सातु सुर लगते हैं, सारे गा में पादा नहीं था सानी दबा मांग रहे था, और खाड़ो संपूर्ण वो है जिसमें पांच और छह सुरों का मिलाप होता है। मेरे साथ हमारे मुल्क के बाकमाल और बड़े हसीन ढोलक नवाज अम जोगी साहब, जो उस्ताद नज़ीर खान के शागिर्द हैं। ताल तीन ताल पेश करूंगा बिलम पस से, उसके बाद मैं दुरुद के अंदर थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि आप जैसे लोग जो सुन रहे हैं मुतमिन हो जाएं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। अगर कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करना। बड़ी मेहरबानी। राग जोग।